हरे कृष्णा राधे राधे। आइए जानते हैं 9 जुलाई 2024 दिन मंगलवार को पैदा हुए बच्चे का नाम, राशि, नक्षत्र, पक्ष, पाया, राशिफल, गंडमूल दोष है या नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपके बच्चे का जन्म 9 जुलाई को सुबह 12 बजे से सुबह 1:22 के बीच हुआ है तो बच्चे का पाया रहेगा रजत, नक्षत्र रहेगा श्लेषा नक्षत्र, तीसरा चरण राशि रहेगी कर्क, जन्म अक्षर रहेगा डे। अगर आपके बच्चे का जन्म 9 जुलाई को सुबह 1:23 से सुबह 7:52 के बीच हुआ है तो बच्चे का पाया रहेगा रजत, नक्षत्र रहेगा श्लेषा नक्षत्र, चौथा चरण राशि रहेगी कर्क, जन्म अक्षर रहेगा दो। अगर आपके बच्चे का जन्म 9 जुलाई को सुबह 7:53 से दोपहर 2:25 के बीच हुआ है तो बच्चे का पाया रहेगा रजत, नक्षत्र रहेगा मघा नक्षत्र, पहला चरण राशि रहेगी सिंह, जन्म अक्षर रहेगा माँ। अगर आपके बच्चे का जन्म 9 जुलाई को दोपहर 2:26 से रात्रि 9 बजे के बीच हुआ है तो बच्चे का पाया रहेगा रजत, नक्षत्र रहेगा मघा नक्षत्र, दूसरा चरण राशि रहेगी सिंह, जन्म अक्षर रहेगा मी। अगर आपके बच्चे का जन्म 9 जुलाई को रात्रि 9:01 से 10 जुलाई की सुबह 3:37 के बीच हुआ है तो बच्चे का पाया रहेगा रजत, नक्षत्र रहेगा मघा नक्षत्र, तीसरा चरण राशि रहेगी सिंह, जन्म अक्षर रहेगा। अगर आपके बच्चे का जन्म 9 जुलाई की सुबह 12 बजे से रात्रि 12 बजे के बीच हुआ है तो बच्चे में गंडमूल दोष होगा, पक्ष रहेगा शुक्ल पक्ष। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।